हाय एवरीवन, मैं ऋतु मिर्जल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एनुअल परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए, कुदरत ने हमें ना एक नेचुरल और स्ट्रेट टेक्निक दी हुई है जिससे आपको प्लेजर मिल सकता है, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकती है, जिससे जेनरेशन आगे बढ़ता है, जिससे आप अपने आप को शांत करते हो। और जब आप अपने आप को शांत करते हो तो आपके दिमाग से, आपके बॉडी से ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको ठंडा करता है, आपकी बॉडी को ठंडा करता है, आपके दिमाग को शांत करता है। ये एक नेचुरल गिफ्ट है गॉड की तरफ से। बट फैंटसीज जो है, ये जो फैंटसी है ना, ये फैंटसीज लोगों में हमेशा से ही रहती आई है, आज से नहीं सदियों से रहती आई है। लोग तरह तरह के फैंटसीज को पाल लेते हैं, उसको फुलफिल करने के बारे में सोचते हैं, उस पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं एंजॉयमेंट के लिए अलग अलग तरीकों से। और ठीक ऐसे ही अननेचुरल फैंटसी है एनल परफॉर्मेंस। वैसे तो ये अननेचुरल है, बट सदियों से इस पे प्रैक्टिस होती आ रही है और शायद आगे भी होता रहेगा। तो इस एनुअल परफॉर्मेंस के केस में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस का, बातों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये फैंटेसी जो है कुछ और ही लेवल पे चली जाएगी और इसके ये आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है अगर आप प्रिकॉशंस का ध्यान ना रखें, अगर आप ऐसी बातों का ध्यान ना रखें। सबसे पहली बात, फीमेल जो है, फीमेल पर देखिए, मेल पार्टनर का पार्ट एक ही है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो अननेचुरल परफॉर्मेंस करता हो। नेचुरल इन द सेंस कि मैं वजाइनल की बात कर रही हूँ, अननेचुरल जो कि ओरल होता है, एनल होता है, कुछ भी और होता है। तो फीमेल जो है उसको हमेशा फ्री एंड रिलैक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई फीमेल रिलैक्स्ड होती है ना तो उसके मसल्स जो है वो फ्री होते हैं, जब वो मेंटली फ्री होती है, रिलैक्स होती है। बट अगर कोई फीमेल, अगर उसके दिल में डर हो, अगर वो रिलैक्स्ड ना हो, फ्री ना हो, तो वो क्या करती है ना, अपने प्राइवेट पार्ट की, एनस का जो एरिया है, आसपास का एरिया है, उन सारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। और इसकी वजह से फिर अगर आप ज़बरदस्ती इंसर्शन की कोशिश करते हो तो इससे फीमेल को प्लेजर मिलना तो बहुत दूर की बात रही, इतना बुरा तरीके से, इतने बुरी तरीके से उसको हार्म पहुँचेगा जो कि आप और हम सोच नहीं सकते। तो इसीलिए आप अपने फीमेल पार्टनर पे फोर्स मत करो, दोनों कंसल्ट करो, अगर दोनों की रजामंदी हो तभी ये जो परफॉर्मेंस है, इसको, ये जो एक्टिविटी है, इसको परफॉर्म करो, अदरवाइज लीव इट। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस की प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपके उस लेवल पे इरेक्शन नहीं होता, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता, आपको प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं आता, अगर आप इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, तो आप ज़रूर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो। ये मिस्ट्रेस कंपनी का बोल्ड फॉर मैन है, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसमें वो सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट हैं जो क्लिनिकली टेस्टेड है, ईडी की प्रॉब्लम में रिजल्ट देता है। इसमें है लिविजा। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जो दावा करता है कि सिर्फ एक हफ्ते में ये ईडी की प्रॉब्लम में रिजल्ट देता है। साथ ही साथ इसमें सफ़ेद मूसली है जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है, जिससे आपकी बॉडी में सेक्स हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। तो अगर आप स्पेशली एनर्जेटिक रहना चाहते हो, ईडी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़रूर करो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करो, अदरवाइज आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी इसको ऑर्डर कर सकते हो। आप अगर स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो RKD30 कूपन कोड का इस्तेमाल करो, इससे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो हरी आप, क्योंकि ये जो ऑफर है वो लिमिटेड टाइम के लिए है। दूसरी बात, एनस की जो कैविटी है, क्रिएटिविटी है, इलास्टिसिटी है, कुछ भी नेचुरल इंसर्शन के लिए है ही नहीं, क्योंकि ये भगवान ने सिर्फ वजाइना में ही डाली हुई है। ये जो बख्शा है कुदरत ने, सिर्फ वजाइना में ही बख्शा है, जो इलास्टिसिटी, कैविटी, जो भी क्रिएटिविटी की बात करूँ वो सिर्फ वहीं पे बख्शा है, एनस में नहीं दिया। फिर भी सदियों से लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है हमेशा लुब्रिकेशन के साथ ही परफॉर्म करनी है, बिकॉज एनस में नेचुरल लुब्रिकेशन नहीं होता। जब कोई फीमेल अराउज होती है तो उसके वजाइनल वॉल से लुब्रिकेशन निकलता है, लुब्रिकेंट जो है वो लुब्रिकेशन होके रखती है, इसी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो स्मूथ होती है, फ्लेक्सिबल होती है। बट एनस में नेचुरल लुब्रिकेशन नहीं होता, जिसकी वजह से आपको एक्सटर्नल लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करना है, और यस मस्ट वो
वाटर बेस्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑयल बेस्ड करते हो तो हो सकता है इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो, कोई और चीजें, तो वाटर बेस्ड ही आप लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करें। बट घर में पड़े हुए कोई भी वैसलीन, कोई भी तेल वगैरह, इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो स्टरलाइज नहीं होता। मार्केट में जो लुब्रिकेशन मिलता है, लुब्रिकेंट मिलता है, वो स्टरलाइज होता है, केमिकली स्टरलाइज होता है, इसी वजह से वो ही आइडियल होता है। बट घर में रखे कोई भी चीज का इस्तेमाल आप इस केस में ना करें, नहीं तो बुरी तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 3, ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर आप विदाउट प्रोटेक्शन इस परफॉर्मेंस को करते हो, इस प्रैक्टिस को करते हो ना, तो इससे आप दोनों को नुकसान होगा, क्योंकि हमारे गट्स में बहुत सारे बैक्टीरिया होता है, और ये बैक्टीरिया जो होता है ना, वो एनस और रेक्टम में भी हो सकता है, होता है, तो ये बैक्टीरिया आपको बहुत हार्म पहुंचा सकता है, आपको इन्फेक्टेड कर सकता है। तो विदाउट प्रोटेक्शन कभी भी इस एक्टिविटी को ना करें, क्योंकि इससे फिर आपको एसटीआई या फिर एसटीडी का चांस बहुत बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जिस प्रोटेक्शन के साथ आप एनल एक्टिविटी कर रहे हो, एनल परफॉर्मेंस कर रहे हो, उस प्रोटेक्शन के साथ ही आप तुरंत वजाइना में इंसर्ट ना करें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि रेक्टम और एनस में बहुत बुरी बैक्टीरिया हो सकती है, होती है, अगर वो वजाइना में पहुंच गया, उसके आसपास पहुंच गया, तो फीमेल्स को यूटीआई या फिर वजाइनल इन्फेक्शन बहुत बुरी तरीके से होगा। तो जब भी आप एनल परफॉर्मेंस करें, जिस प्रोटेक्शन शील्ड के साथ आप कर रहे हो उसको चेंज कर लो, नए प्रोटेक्शन शील्ड के साथ आप वजाइनल इंसर्शन करो, इससे फीमेल्स को कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर आप एनल परफॉर्मेंस करते हो तो आप अपने कमिटेड पार्टनर के साथ ही करो, क्योंकि आपको पता है कि आपके पार्टनर को एसटीआई या फिर एसटीडी नहीं है। विदाउट एनी कंफर्मेशन कि आपके पार्टनर को एसटीआई या फिर एसटीडी नहीं है, आप उनके साथ एनल परफॉर्मेंस मत करो। एंड लास्ट थिंग इज कि आप अपने पार्टनर को फोर्स मत करो। अगर आप चाहते हो अपने पार्टनर को प्लेजर देना, तो आप रिमिंग कर सकते हो। रिमिंग जो है वो एनस के आसपास के एरिया को अपने टंग से लिकिंग करना होता है, वो उससे भी फीमेल्स को प्लेजर मिल सकता है, या फिर आप अपने पार्टनर को भी ये सजेस्ट कर सकते हो, बोल सकते हो कि वो भी रिमिंग करे, वो अलग बात है, बट इसके लिए आप अपने पार्टनर को फोर्स मत करो, क्योंकि इससे अल्टीमेट फायदा नहीं पहुंचता, नुकसान पहुंचता है, रिश्ते में दूरियां होती है, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, जो कि अच्छा नहीं होता। हर चीज़ें प्लेजर के साथ होनी चाहिए, और हर चीज़ें फैंटेसी जो है, हर फैंटेसी जो है वो प्लेजर के लिए होता है, इंजॉयमेंट के लिए होता है, तो इंजॉय करने के लिए करो, फोर्सफुली नहीं। वैसे तो एनल परफॉर्मेंस जो है वो अननेचुरल है, पर सदियों से इसका प्रैक्टिस होता आ रहा है, तो अगर आप भी करना चाहते हो तो इस प्रोटेक्शन का, प्रिकॉशंस का इस्तेमाल जरूर करो, और उसके साथ ही आप एनल परफॉर्मेंस करो। अगर ये वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, एंड टू सब्सक्राइब। थैंक यू।